Hey what's up guys, it's ITSZ here back with another video and आज की इस वीडियो में तुम देख सकते हो गाइस जो मेरे स्कूल है उसमें विंटर वेकेशन हो चुकी है। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो विंटर वेकेशन है गाइस वो मेरे स्कूल में अनाउंस हो चुकी है एंड अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर। यार देखो गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा जो स्कूल है अभी मैं निकला हूँ एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर अब मतलब जो विंटर वेकेशन से भाई वो चालू हो चुके हैं यार एंड तुम देख सकते हो गाइस मेरा जो स्कूल है वो बंद है एंड मुझे अब यहाँ से जाना है घर। तो यार अब स्कूल को टाटा बाय बाय करते हैं जब तक यहाँ पर विंटर वेकेशन चलती है। फायदा भी यहाँ पर तुम देख सकते हो जो वैन है पिकअप करने के लिए वो आ चुकी है हमें। तो मेरे साथ यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने घर जाएंगे यहाँ से। तुम देख सकते हो वो भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे बट है यार समझ लो तुम। और यहाँ पर तुम देख सकते हो वैन वाले ड्राइवर हैं। और गाइस एक काम करता हूँ मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखा देता हूँ यार। तो ये देखो यार मेरे जो स्कूल का नाम है दी लर्निंग वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। तो देख लो भाई दी लर्निंग वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल मेरे स्कूल का नाम है। तो अगर मुझसे मिलना हो ना तो इस स्कूल में आप लोग ज़रूर से आना ना। ये देखो यार दी लर्निंग वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर बसें तुम देख सकते हो मेरे स्कूल में बसें वगैरह हैं उन पर उसका नाम लिखा है। और ये देखो यहाँ पर कुछ तुम देख सकते हो खेलने के लिए चीज़ें हैं। और ये देखो यार ये झूले टाइप के तुम देख लो यहाँ पर एंड दो बस उधर और लगी हुई हैं गाइस। तो यार मेरे स्कूल में भाई टोटल 3 बसें हैं मतलब इतना बड़ा भी स्कूल नहीं गाइस छोटा स्कूल है बट देखो यार इतना भी है भाई मेरा है यार। और यहाँ पर अब विंटर वेकेशन हो चुके जैसा कि पता है। बाय द वे गाइस आप लोगों की विंटर वेकेशन चल रही है कि नहीं जरा मुझे कॉमेंट्स बताना भाई। मेरी तो आज से चालू हो गई देख लो यार मतलब अब मैं जा रहा हूँ यार अपने घर। और बाकी आप लोग देख सकते हो यार वैन वाले भैया बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चलो अब मैं जल्दी से वैन में चढ़ जाता हूँ वरना वैन वाले भैया जी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं वैन में बैठ चुका हूँ एंड भैया यार अब चलो यार स्कूल को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अब 10 से 15 दिन बाद दोबारा इस स्कूल में आऊँगा तब स्कूल को मैं अच्छे से देख लूँगा। अभी तुम लेके चलो तो बाय बाय बसें भाई। ये देखो यार मेरी जो स्कूल बस है तुम देख सकते हो गाइस यहाँ पर है एंड इसको अब मैं टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। और ये देखो फाइनली हम अपने स्कूल से निकल चुके हैं। स्कूल को अब हमें छोड़ना पड़ेगा यार 15 दिनों के लिए। वैसे गाइस आप लोगों की भाई कितने दिनों की छुट्टी हुई जरा मुझे कॉमेंट्स में आप लोग बताना। और यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी जो मेरे वैन वाले भैया हैं वो स्लोली लेकर जा रहे हैं। और तुम देख सकते हो गाइस यहाँ पर सामने में कोई लेवल क्रॉसिंग है शायद से। अच्छा हाँ गाइस ये जो लेवल क्रॉसिंग है ना गाइस मेरे स्कूल के पास है एंड लगभग यहाँ पर हमेशा ही ब्लॉक लगा रहता है यार। मतलब यहाँ पर ना ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है इसीलिए यहाँ पर हमेशा ही ट्रैफिक लग जाता है। मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था। और ये देखो अभी भी ट्रेन जा रही है मतलब ये देखो वैफ 7 लोकोमोटिव के साथ में कोई शताब्दी एक्सप्रेस जो कि यहाँ से गुजर रही तुम देख सकते हो। ओए ओए देखो गाइस मतलब मेरे बहन वाले भैया जी ने अभी तक ये देखो अब फाइनली वो रुक चुके हैं एंड ये शताब्दी भी जा चुकी है। तो चलो भाई फाइनली यार मेरे टाइम पे जब तक मेरे भैया जी आए वैन को उन्होंने रोका तब तक ट्रेन चली गई यार। अब तो गेट खुल ही जाएगा यार अब कहाँ दिक्कत आएगी। और तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरे साथ कितने ढेर सारे जो लोग हैं वो फंसे हुए इस लेवल क्रॉसिंग पर तुम देख सकते हो। वैसे कैसे आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है मतलब तुम जा रहे हो लेवल क्रॉसिंग पड़ी हो एंड उसी वक्त पर गेट बंद हो गया हो ऐसा कभी हुआ है गाइस? मेरे साथ हुआ है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस लिटरली। मतलब जब गेट खुला रहता तब मुझे इतना मज़ा नहीं आता जब गेट बंद होता है ट्रेन गुजरती है तब बहुत मज़ा आता है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे कॉमेंट्स बताना। बाय द वे यहाँ पर एक और ट्रेन आ रही है। अरे मैंने तो सोचा था भाई शताब्दी चली गई अब गेट खुल जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक और ट्रेन आ रही है एक ओए होए होए ये नहीं भाई सामने में तालाब गाइस तुम देख सकते हो भाई ये ट्रेन डीरेल हो गई यार। मतलब इसे जो ट्रैक्स पे गुजर के जाना था ये यहाँ पर भाई ये लेक में कैसे जा रही है गाइस तुम देख सकते हो ये तालाब में जा रही है भाई। ओए होए होए कितना बड़ा हादसा हो चुका है गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो ट्रेन है भाई मतलब ये ट्रैक्स नीचे कैसे उतर गई यार। ये तो धीरे धीरे आ रही थी गाइस इसका स्पीड भी यार इतना नहीं था यार तुम देख सकते हो। मतलब ये एक तरीके से कर्व ले रही थी और अचानक से कैसे ट्रैक से नीचे उतर गई यार तुम देख सकते हो। एंड ये ऑटो वाले भैया को देखो भाई बाल बाल बच गए ऑटो वाले भैया वरना भाई ये तो चले जाते गाइस इस ट्रेन के साथ में इस तालाब में यार। तुम देख सकते हो गाइस आधे से ज़्यादा पूरी ट्रेन तालाब में जा चुकी है। अभी रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एकदम अच्छे से यार भाई मतलब ये क्या हो गया यार गाइस मेरे जितने भी फ्रेंड्स बैठे हैं ना सब खिड़की के बाहर देख रहे हैं यार। ये देखो भाई ट्रेन तुम देख सकते हो गाइस तालाब में जाके गिर चुकी है यार सामने से। लोकोमोटिव तो दिखाई ही नहीं दे रहा है भाई वो लगता है पूरा पानी में ही डूब गया है। वैफ 5 शायद से लोकोमोटिव था गाइस
यार वो शताब्दी तो गाइस एकदम अच्छे से चलेगी यार, इस ट्रेन को क्या हो गया? वैसे गाइस इसका स्पीड तुमने देखा था गाइस, इसका स्पीड भी इतना ज़्यादा तेज नहीं था, तो भाई ये कैसे गिर सकती है गाइस? लिटरली यार मुझे तो कुछ नहीं पता यार, तुम देख सकते हो यहाँ पर वो ट्रैक से भाई जब उतरी थी ना गाइस, मैंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, एक सेकंड के लिए गाइस मैं शॉक सा हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर। बाद में देखा तो गाइस ये जाके तालाब में गिर गई यार, एंड अब ये तो पूरी तरीके से रुक चुके गाइस। अच्छा हुआ जो ज़्यादा स्पीड में नहीं थी यार, वरना भाई पूरी ट्रेन ही क्या पता तालाब में चली जाती गाइस। अच्छा जो गाइस ये थोड़ी सी स्लो थी एंड रुक चुके, तुम देख सकते हो। होपफुली अब रेस्क्यू का काम चालू हो। ये देखो यार, वैसे आपको क्या लगता है किस वजह से ये ट्रेन जो है ट्रैक से नीचे उतर गई? तुम देख सकते हो यहीं से कुछ प्रॉब्लम हुआ है गाइस। ये ट्रैक देख रहे हो तुम, ये वाला कोच भाई, यहीं से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तुम देख सकते हो यहीं से ट्रेन ने मतलब ट्रैक को छोड़ना स्टार्ट किया, तुम देख सकते हो। तो भाई यार ट्रैक को क्या हो गया गाइस, लगता है कुछ खराबी थी भाई ट्रैक में यार, वरना भाई ट्रेन भी धीरे जा रही थी गाइस, ये तो डीरेल नहीं हो सकती थी यार, पता नहीं क्या हो गया गाइस। इवन गाइस मेरी भाई लगता है गाइस अब ये यहाँ पर जब तक काम चलेगा रेस्क्यू का तब तक तो ये गेट खुलेगा नहीं, एक यही रास्ता है भाई जो मेरे घर की ओर जाता है। तो गाइस लगता है मुझे वापस स्कूल में जाना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर सारा कुछ हटाया नहीं जाता है। तुम देख सकते हो पूरा कि पूरा यहाँ पर माहौल गर्म हो चुका है, तुम देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पर सामने से कोई ट्रेन आ रही है, भाई तू धीरे जा वरना तू भी डीरे लो। ये देखो मतलब वैक 7 लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पर कोई फ्रेट ट्रेन है एंड इसकी स्पीड देखो यार, मतलब इसको तो धीरे करवा दो यार, एक ट्रेन हो चुकी है डीरेल, दूसरी भी करवाना चाहते हो क्या भाई? यार मैं क्या बताऊँ गाइस, यहाँ पर तुम देख सकते हो वैक 7 के साथ में ये मालगाड़ी है एंड इसकी स्पीड देखो यार कितनी तेज है। गाइस पता नहीं क्या हो गया उस ट्रेन को यार, मेरे को तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, इवन मुझे अपने लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि गाइस मुझे अपने घर जाना था एंड अब यहाँ पर लग चुका है ब्लॉक गंदे वाला। तुम देख सकते हो मतलब लोगों को देख रहे हो गाइस, लोग कैसे फंसे हुए, एंड ये कार वाले भैया को देखो और ऑटो वाले को देखो, मतलब गेट के उस पार खड़े हैं यार, इनका तो अलग ही नशा चल रहा है गाइस लिटरली। और अभी तुम देख सकते हो मैं वैन से नीचे उतर चुका हूँ एंड नीचे उतर के तुम्हें नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना गंदे वाला ट्रैफिक लग चुका है। ये देखो यार ये रही कारें, और मुझे यहाँ पर पीछे में बड़ी बड़ी बसें भी दिखाई दे रही गाइस, जो टूरिज्म वाली बसें होती हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और मेरी वैन वाले भैया ने तो भैया एकदम गेट के पास आके लगाया, तो अब इनको पीछे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी देखना। और बाकी वैन वाले भैया को तुम देख सकते हो बैठे हैं आराम से एकदम वैन में, और पीछे तक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है तुम देख सकते हो। बाय द वे उधर साइड का क्या हाल चाल है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे ये देखो यार यहीं से कुछ दिक्कत हुई है। ओ हाँ गाइस मुझे लग रहा है भाई ट्रैक्स में कुछ प्रॉब्लम है एंड पीछे देखो गाइस पूरा जैम लग चुका है, मतलब इस ट्रेन की वजह से पीछे जितनी भी ट्रेनें आ रही सबको रुकवाया जा रहा है। तुम्हें जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ, कोई रेड कलर की ट्रेन खड़ी थी ना तुम्हें दिखी थी ना भाई, वो ट्रेन रुकी है गाइस इसकी वजह से। तो अब जब तक ये ट्रेन नहीं हटेगी तब तक वो भी नहीं आ पाएगी यार पीछे वाली ट्रेन। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर उस साइड में भी गंदे वाला ट्रैफिक लगा है, मतलब ऑटो वालों को देख रहे हो भाई गेट के आगे कैसे आ जाते हैं गाइस? मुझे तेरा कमेंट्स बताना कि कैसा जाते हो इनके पास यार, गेट के आगे कैसे आ जाते हैं? मुझे भी ट्राई करना है भाई, मतलब मेरे बहन वाले भैया तो गेट के पीछे फंसे रहते हैं भाई, पता नहीं गाइस ये लोग कैसे आ जाते हैं, नीचे से आ जाते हैं क्या पता नहीं गाइस, ये तो पॉसिबल नहीं शायद। और यहाँ पर तो भाई बहुत गंदा हादसा है। बाय द वे गाइस ये जो वीडियो था ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, मतलब इसको ज़्यादा दिल पे मत लेना कि डीरेल हो जाता है ये करवा देता है, भाई सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो और मज़े करो। वैसे भी गाइस ये गेम है, इसे रियल वर्ल्ड से कंपेयर तो किया नहीं जा सकता, गेम तो गेम है ना, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट, तब तक ले बाय।